आपने हाल ही में वो फोटोज देखी होंगी जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात में स्कूबा डाइविंग की और उस जगह के दर्शन किए जिसे लोग भगवान कृष्ण की द्वारका मानते हैं। पीएम ने ट्विटर पर ये फोटोज शेयर की और कहा कि उन्होंने डीप सी में प्राचीन द्वारका शहर के दर्शन किए जो कि उनके जीवन के साथ हमेशा बने रहेंगे। ये वही द्वारका शहर है जिसके डूबने के बाद कलयुग की शुरुआत हुई थी। अब सवाल आता है कि स्वयं भगवान कृष्ण की ये द्वारका डूब कैसे गई, और उससे भी बड़ा सवाल है कि क्या गुजरात की जिस जगह पर पीएम मोदी गए थे वही भगवान कृष्ण की असली द्वारका है। हिस्टोरियंस को वहां ऐसा क्या मिला जिससे कि इसे द्वारका शहर क्लेम किया जाता है। आज इस वीडियो को देखकर आपको इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री कनेक्ट। 1960 की शुरुआत में गुजरात में द्वारकाधीश टेम्पल के पास एक डिस्कवरी हुई। इस मंदिर के पास एक घर को गिराया जा रहा था और इस घर में एक टेम्पल का टॉप यानी कि ऊपर का हिस्सा मिला। इसके बाद पुणे के डेक्कन कॉलेज ने यहां पर खुदाई की और उन्हें विष्णु मंदिर के रिमेन्स मिले। फिर क्या था, इस खोज से लोगों के मन में द्वारका को लेकर इंटरेस्ट जागा और आगे चलकर इस खोज ने समुद्र में डूबी द्वारका को ढूंढने के लिए एक रास्ता बना दिया। लेकिन कहानी में हम आगे बढ़े उससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर द्वारका शहर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और आखिर ये डूबा कैसे। देखिए, द्वारका भगवान कृष्ण और महाभारत से जुड़ी हुई है, इसलिए इसकी हिंदू धर्म में बहुत मान्यता है। माना जाता है कि महाभारत काल में भगवान कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध करने के बाद मथुरा को छोड़ दिया और अपने यादव बंधुओं के साथ द्वारका आ गए। यहाँ पर समुद्र से 12 योजन जमीन निकली और इसे ही द्वारका नगरी कहा गया। विष्णु पुराण में बताया गया है कि द्वारका बेहद खूबसूरत शहर था जिसमें कि सुंदर गार्डन और बड़े बड़े महल हुआ करते थे। फिर श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है कि जब वो धरती छोड़कर यानी भगवान कृष्ण बैकुंठ धाम जाने लगे तो ये द्वारका वापस समुद्र में ही विलीन हो गई। यही वो टाइम भी था जब द्वापर युग से कलयुग की शुरुआत हुई थी। अब ये तो हो गई पास्ट की बात, लेकिन आज ये द्वारका कहाँ है? जो समुद्र में डूबी हुई है वही है या फिर कहीं और है? तो प्रेजेंट में द्वारका कच्छ की खाड़ी के पास अरब सागर की ओर पड़ती है। यह टाउन कृष्ण पिलग्रिमेज सर्किट का हिस्सा है जिसमें कि वृंदावन, मथुरा, गोवर्धन, कुरुक्षेत्र और बेट द्वारका जैसी जगहों को एक साथ जोड़ा गया है। ये सारी वो जगहें हैं जो भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई हैं। आज के टाइम पर दो द्वारका हैं, एक है बेट द्वारका यानी वो जगह जहाँ भगवान कृष्ण और सुदामा के बीच में भेंट हुई थी, जहाँ पर द्वारकाधीश मंदिर पड़ता है। वहीं दूसरी जगह है गोमती द्वारका जो कि गोमती नदी के पास पड़ती है। इन दोनों के बीच करीब 35 किलोमीटर की डिस्टेंस है। दोनों को ही एक ही द्वारका का हिस्सा माना जाता है। अब जो द्वारकाधीश मंदिर है इसे लेकर कई लोगों का मानना था कि आज जो द्वारका शहर गुजरात में पड़ता है ये वही शहर है जो कि भगवान कृष्ण की नगरी हुआ करती थी। हालांकि फिर भी कई हिस्टोरियंस ऐसा नहीं मानते थे, उनके हिसाब से वो शहर तो कब का डूब गया था। इसलिए ही 20वीं सदी की शुरुआत में कई हिस्टोरियंस ने द्वारका की एग्जैक्ट लोकेशन को ट्रेस करने की बहुत कोशिश की, यानी कि वो लोकेशन जो कि हमें महाभारत में मिलती है। अब तब टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी थी नहीं, इसलिए ग्रंथों में जो लिखा मिला उसी को मेन सोर्स बनाकर द्वारका को ढूंढने का काम किया गया। अब हिस्टोरियंस ने जो कुछ भी पढ़ा था उस टाइम पर उससे अलग अलग बातें निकल कर सामने आई। कुछ हिस्टोरियंस के हिसाब से प्रेजेंट द्वारका असली द्वारका नहीं है बल्कि असली द्वारका कहीं और है। साल 1904 में सबसे पहले एफ.ई. पारगिटर ने मार्कंडेय पुराण का ट्रांसलेशन किया और ये सजेस्ट किया कि असली द्वारका तो रैवतक पर्वत के पास मौजूद थी। ये जगह आज के जूनागढ़ में पड़ती है। उनके क्लेम को अगर आप सही मानोगे ना तो द्वारका करीब 200 किलोमीटर दूर है आज वाली द्वारका से। फिर साल 1920 में हिस्टोरियन A.S. आल्टेकर ने क्लेम किया कि आज की द्वारका 1200 ईसा पूर्व से ज़्यादा पुरानी नहीं होगी और शायद जो एंशियंट टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि शहर डूब गया था शायद वो सच है। लेकिन प्रेजेंट द्वारका को ही असली द्वारका मानने वाले लोग भी कम नहीं थे। साल 1943 में A.D. पलसाकर और 1960 में फेमस हिस्टोरियन H.D. संकालिया ने भी सेम बात कही थी कि बेट द्वारका का जो एरिया है वही असली द्वारका है। अब जब इतने सारे दावे थे तो सच किसे माना जाए ये भी एक मुश्किल थी, क्योंकि ज़्यादातर बातें जो ग्रंथों में लिखी हुई थी उसके आधार पर कही जा रही थी। क्योंकि प्रॉपर एविडेंस नहीं थे तो हिस्टोरियंस की बात को साबित कैसे किया जाए। इसलिए 1960 के दशक से हिस्टोरियंस ने लिटरेचर की जगह द्वारका के लिए कुछ आर्कियोलॉजिकल सबूत ढूंढने शुरू किए। सबसे पहले खुदाई बेट द्वारका शहर से की गई जहां 1963 में डेक्कन कॉलेज को विष्णु मंदिर का शीर्ष मिला था।
अपनी खोज में उन्हें पता चला कि बेट द्वारका में 2000 साल से लोग रहते आए थे। इस खोज ने द्वारका को कोई बड़े सबूत नहीं दिए, लेकिन दूसरे हिस्टोरियंस को आगे की स्टडी करने का मोटिव जरूर दे दिया। 1979 में ASI ने फेमस आर्कियोलॉजिस्ट SR राव की लीडरशिप में फिर से खुदाई शुरू की। हालांकि इसकी कोई रिपोर्ट नहीं सबमिट हुई, लेकिन SR राव को यहां से 3 पुराने मंदिरों और चमकदार लाल रंग के बर्तनों के रिमेन्स मिले थे। उनके हिसाब से ये करीब 2500 ईसा पूर्व के थे। द्वारका के आसपास हुई इस खोज ने द्वारका में इंटरेस्ट और भी ज्यादा बढ़ा दिया। ये कहा जाने लगा कि शायद सचमुच द्वारका समुद्र में समा गई थी। आने वाले 20 सालों में मरीन आर्कियोलॉजिस्ट की एक बड़ी टीम ने समुद्र के अंदर खुदाई करने का काम किया। इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी यानी कि NIO और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR की एक रिसर्च लैब ने मिलकर काम किया और उन्होंने द्वारका में कई सारे एक्सप्लोरेशन किए। मरीन आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर शीला त्रिपाठी ने बताया कि समुद्र के अंदर खुदाई में पत्थर के 200 लंगर, अलग अलग स्ट्रक्चर, पत्थर की मूर्तियां, संगमरमर की मूर्तियां और कुछ लोहे के लंगरों के साथ साथ कई अलग अलग मेटालिक चीजें मिली और ये एक बहुत बड़ी खोज है। हालांकि इनकी डेट को तय करने के लिए हमें आसपास के जो एरिया में चीजें मिली हैं उनसे मिलान करना होगा, जिसमें कि बेट द्वारका, नागेश्वर और गोपी तालाब शामिल हैं। ये सारे के सारे प्लेसेस द्वारका टाउन से 30 किलोमीटर के दायरे में पड़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने बताया कि बेट द्वारका में खुदाई के दौरान एक साइड पर तो हमें 6वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर 6वीं सदी तक की चीजें मिलती हैं, वहीं दूसरी साइड में हड़प्पा काल के डिक्लाइन के टाइम की चीजें मिलती हैं जो कि करीब 1900 से लेकर 1300 ईसा पूर्व के आसपास का है। अब क्योंकि यहां पर जो लंगर मिलते हैं वो लेट हड़प्पन टाइम के हैं, इसलिए यह अंदाजा लगाया गया कि जो लंगर द्वारका में मिले वो भी उसी टाइम के होंगे। वैसे आपको बता दूं कि कई स्कॉलर्स लेट हड़प्पन टाइम को ही महाभारत काल भी मानते हैं, लेकिन अभी तक जितनी बातें मैंने उनसे बताई हैं उनसे अलग और उनसे सबसे ज्यादा मजबूत दावा ASI के DG आलोक त्रिपाठी ने किया। उन्होंने 2005 से 2007 के बीच ASI के साथ अंडर वाटर आर्कियोलॉजिकल विंग की टीम को लीड किया था। उन्होंने बताया कि अंडर वाटर मिली द्वारका की लोकेशन वही है जैसे कि हिस्टोरिकल लिटरेचर में बताई जाती है। यहाँ एक गोमती नदी है जो कि समंदर में मिल जाती है और यहीं पर द्वारका की नगरी है। अपनी खोज को शुरू करने के लिए उन्होंने 200 स्क्वायर मीटर के सिलेक्टेड एरिया में 50 स्क्वायर मीटर की दूरी पर कई बड़े बड़े आर्टिफैक्ट्स ढूंढे जो कि बहुत मजबूत हैं। आलोक त्रिपाठी बताते हैं कि उन्हें 10 मीटर की जगह में एक खंडहर भी मिला है जिसे देखकर लगता है कि समुद्र ने उस जगह को तबाह कर दिया होगा। और डिटेल में जानने के लिए टीम और भी गहराई में गई। यहां उन्हें नेचुरल वेजिटेशन से ढकी हुई जगहें मिली, कई बड़े पत्थर मिले जो बताते हैं कि यहां पर कोई बड़ा बंदरगाह रहा होगा। हालांकि भले ही उन्हें इतनी सारी पुरानी चीजें मिली हों, लेकिन फिर भी हिस्टोरियंस आज भी इस जगह को भगवान कृष्ण की द्वारका सीधे सीधे नहीं मानते, क्योंकि उनके पास आज भी इस जगह को लेकर बहुत ज्यादा ठोस सबूत नहीं है। लेकिन लोग तो इसे भगवान कृष्ण की द्वारका मानने लगे हैं, क्योंकि जो लिटरेचर में लिखा हुआ है उसके सबूत उनकी आंखों के सामने हैं। फिर भी कुछ लोगों के लिए यह हड़प्पा सभ्यता का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। अब आपको क्या लगता है, भगवान कृष्ण की असली द्वारका कहाँ है, समुद्र के अंदर या फिर कहीं और? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा और ऐसी ही तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।